फिरोजाबाद शहर के होटल शिवम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उद्योग व्यापार मंडल द्वारा प्रेस का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया है, सभी राज्य के व्यापारियों को जोड़ा जाएगा और व्यापारियों के हक के लिए कार्य किया जाएगा। फिरोजाबाद शहर के होटल शिवम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उद्योग व्यापार मंडल का गठन हुआ है, जिसको लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान मीडियो को बताया है, ये व्यापार मंडल सभी राज्यों के कार्यकर्ताओं को जुड़ेगा और व्यापारियों के हक के लिए हर लड़ाई भी लगेगा। इस दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उद्योग व्यापार मंडल सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। व्यापार मंडल जब हम क्लस्टर बनाएंगे जिले में, प्रत्येक जिले में यूपी और जितने भी राज्य हैं उन सारे जिलों में हम क्लस्टर बना करके, और जो हमारे किसान हैं जो लोग व्यापार कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री बने। क्योंकि जो किसान जैसे हमारे यूपी में ये एटा हो गया, मैनपुरी और ऐसे करके, तो यहाँ पे मूंगफली होता है, आलू होता है और मक्का, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो बेच देते हैं, लेकिन बेचने के बाद उनको क्या प्रॉफिट होता है? वो सारी चीज़ें जाती हैं जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, वो लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री क्यों नहीं है? हाँ, छोटे जो भी छोटे व्यापारी हैं, ऐसा नहीं है कि हम बड़े व्यापारियों के लिए करेंगे। जो हम क्लस्टर बनाएंगे उनमें क्या होगा, छोटे से छोटे व्यापारी अपना जैसे क्या बोलते हैं, मूंगफली है, तो मूंगफली को वो हम उनको बोलेंगे क्लस्टर बनाने में, तो कि अपना वो मूंगफली जैसे बाहर बेचते हैं उसी रेट पे वो हमको दें, जो भी हम इंडस्ट्री बनाएंगे, और उसमें उनको शेयर मिलेगा। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री बनेगी उसमें उनका शेयर होगा, तो उनको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री बन जाएगी तो बाहर प्रॉफिट जो बाहर जा रहा है वो उनको भी मिलेगा। ये प्रेस वार्ता असल में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उद्योग व्यापार मंडल के लिए, हम लोगों ने जिला अधिवेशन हमारा होने जा रहा है बहुत जल्दी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें कि हम बता सकें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उद्योग व्यापार मंडल का उद्देश्य क्या है और हम किन अपने उद्देश्यों को लेकर के आगे चल रहे हैं। आज का जो मुख्य आपकी जो बात है, जो आप मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, वो क्या है? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हमने ये देखा है कि देश के अंदर जो एक वर्ग है, क्योंकि व्यापार की शुरुआत अगर देखें तो बहुत पहले अगर जाते हैं हम लोग, तो महाराजा मनु द्वारा जो हमारा समाज जो चार वर्गों में बांटा था, तो व्यापार भी एक तरीके से एक विशेष वर्ग के हाथों में चला गया था। लेकिन देश आज़ादी के बाद हमने देखा कि हमारे ओबीसी के लोग भी व्यापार में आए, और व्यापार में आने के बाद काफ़ी जद्दोजहद उनको करनी पड़ी, और आज काफी अच्छे स्तर पर हमारे लोग व्यापार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश भर में आज तक कोई पिछड़े वर्ग का कोई व्यापारिक संगठन नहीं है, क्योंकि जो भी व्यापारिक संगठन है वो उसी वर्ग के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि जहां 90 करोड़ की आबादी है हमारी ओबीसी की, उसमें से 30-32 करोड़ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारा कोई भी संगठन देश भर में नहीं है, तो हम लोगों ने व्यापार तो शुरू कर दिए, लेकिन आज जो जरूरत महसूस हो रही है हम लोगों को, वो इस तरह की जरूरत महसूस हो रही है कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई सरकार तक हमारा बात पहुंचाने वाला कोई नुमाइंदा नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उद्योग व्यापार मंडल एक सरकार के साथ सरकार की योजनाओं को जमीन पर अपने लोगों तक ले जाने के लिए, इस वर्ग तक ले जाने के लिए जो वंचित रह गया है देश आजादी के बाद, इस वंचित समाज को उनके उद्योग को स्थापित करने के लिए
जो हम लोग सहायता कर सकते हैं, जो सहयोग कर सकते हैं, और सरकार बहुत अच्छी पहल करती है, अब तक बहुत अच्छी पहल हुई है सरकार की तरफ से, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो योजनाओं का लाभ जिन तक पहुंचना चाहिए, जो इंडस्ट्री लोगों की खड़ी होनी चाहिए, वो हम लोगों की इंडस्ट्री बड़े स्तर पर खड़ी नहीं हो पाई है। जबकि होना ये चाहिए था कि हमारे एक जैसे एक योजना चलती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, तो हर जिले में एक इंडस्ट्री बहुत अच्छे स्तर पर खड़ी की जा सकती है, लेकिन चूंकि हमारे लोग अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं है, हम लोग क्लस्टर नहीं बना पा रहे हैं, बावजूद इसके भी हम लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन पर बिजनेस कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम लोग क्लस्टर बना करके इन योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का, सरकार की मंशा का कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और ज्यादा से ज्यादा हमारा देश तरक्की करे, इस चीजों को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं।